वेलकम टू द टॉपिक माफ्रक। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे से पढ़ रहे होंगे। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें हम देख रहे थे परिसंचरण तंत्र को। तीन लेक्चर हमने देखे और आज हमें देखना है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, कहने का क्या मतलब है, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट कवर होने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, ये टर्म हमें क्या बताता है? ये टर्म हमें बताता है कि कैसे ब्लड क्लॉट होगा। अब देखिए, कभी ना कभी आपको चोट लगी होगी, ब्लड भी बहा होगा और आपने देखा होगा कि 2 से 3 मिनट तक तो ब्लड बहता है, इसके बाद धीरे धीरे ब्लड बहना कम हो जाता है और वहां पर क्लॉट हो जाता है, थक्का टाइप का जम जाता है और ब्लड बंद हो जाता है बहना। तो ये क्यों हुआ? ये ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हुआ। ब्लड क्लॉटिंग जनरली होती है जिससे ब्लड जो बह रहा था वो बंद हो जाता है, और ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं हुई तो लगातार ब्लड बहेगा और अधिक ब्लड का क्या होगा, हानि होगी, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इससे सबसे ज्यादा भयानक रोग अगर मैं कहूं कि ब्लड क्लॉटिंग 2 से 8 मिनट में हो जाती है। देखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग जनरली 2 से 8 मिनट में देखने के लिए मिलती है, ठीक है? 2 से 8 मिनट में ब्लड बंद हो जाना चाहिए बहना। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई ब्लड बहना बंद ही नहीं हो रहा है, तो आपके ब्लड में या तो किसी न किसी चीज की कमी है, या तो ये भी हो सकता है कि आपको सबसे भयानक बीमारी हो गई हो। कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का नाम आपने सुना होगा। जनरली हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग जो होती है बहुत ही लेट में हो सकती है, 24 घंटे लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। जनरली अगर ये 24 घंटे से अधिक में हुआ, अगर ये 24 घंटे से अधिक साइन टाइम ले रहा है, तो 2 से 8 मिनट के बाद भी अगर आप देखें ना कि अगर आधे घंटे हो गए, 20 मिनट हो गए, तो एक लंबा समय होता है। अगर इस समय तक ब्लड बहता रहेगा तो आप खुद बताइए कितना ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा। और ये जो हीमोफीलिया है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ये एक अनुवांशिक बीमारी होती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है। और हीमोफीलिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताऊं, रानी विक्टोरिया, द किंग ऑफ ब्रिटिश, आप जानते होंगे उनको, रानी विक्टोरिया को, उनके पूरे परिवार की मृत्यु हुई थी केवल और केवल हीमोफीलिया बीमारी के कारण। जर्नलिस्ट में होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ये थोड़ी सी जानकारी है जो आपको एज इट थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो आपने क्या देखा, ब्लड क्लॉटिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे बहते हुए रक्त को रोकते हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म को मैं अच्छी तरीके से आपको क्लियर करूंगा। अब देखिए, टोटल 13 फैक्टर काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जो कि संश्लेषित काम होते हैं, जो कि संश्लेषित होते हैं लीवर में। और अगर मैं बात करूं, ये पड़े कहां पर होते हैं, ये प्लाज्मा में निष्क्रिय रूप, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। ये एक्टिव नहीं होते, एक्टिव तभी होंगे जब आपको चोट लगेगी, तब ये एक्टिव होते चले जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग कर देंगे। तो आपने देखा, इसका संश्लेषण होता है लीवर में, लेकिन पड़े कहां पर होते हैं, प्लाज्मा में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अगेन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के और कैल्शियम +2 Ca+2 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, जस्ट इसके बाद में मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे Ca+2 जो है वो हर एक स्टेप में आ रहा है और अपनी भूमिका को दिखा रहा है। और इसके साथ साथ विटामिन के भी देखने के लिए मिलता है, मतलब विटामिन के और Ca+2 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात करने वाले हैं, आप देखेंगे एक टिश्यू दिख रहा होगा आपको सामने, यहाँ पर क्या हुआ, आरबीसी बाहर निकल रही है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है। और जनरली ऐसे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 मिनट बाद इसको बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होगी, ब्लड क्लॉटिंग से क्या होगा, यहाँ पर एक क्लॉट टाइप का धक्का धब्बा टाइप का जम जाएगा और फिर इससे क्या होगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। तो कैसे ये होता है, इसके मैकेनिज्म हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल और सीधी सी मैकेनिज्म है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ डैमेज टिश्यू की, जब आपको क्या लगी, चोट, तब टिश्यू आपके हुए डैमेज। अब टिश्यू डैमेज हुए तो मैंने आपको प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ाया था, ठीक है, जनरली क्या करती है, रक्त इसके अंदर में काम देती है। तो जो डैमेज टिश्यू है और प्लेटलेट्स आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये आगे काम करेगा सबको एक्टिव करने का। कैसे एक्टिव करेगा, पहले तो एक्टिव करता है प्रोथ्रोम्बिनेज को, इसको हम थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा, ठीक है, एक्टिव को मैं लिखूंगा ए से, ठीक है। और इसमें भूमिका किसकी रहती है, Ca+2 फैक्टर की भूमिका यहां पर देखने के लिए मिली। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये क्या करेगा, इसका भी काम किसी ना किसी को एक्टिव करना होगा। तो ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा इसलिए किया बच्चा, क्योंकि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में थी, इसको एक्टिव करने के लिए इसको थ्रोम्बिन फॉर्म में चेंज करना जरूरी था। यहां पर भी Ca+2 की भूमिका देखने के लिए मिली। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन फॉर्म में किसने एक्टिव किया या चेंज किया, तो
अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोथ्रोम्बिन था जब वो बदला थ्रोम्बिन में तो वहां पर किस फैक्टर की जरूरत पड़ी। सी ए प्लस टू तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना, आगे बढ़े। अब क्या बन चुका है हमारे पास, अब बन चुका है थ्रोम्बिन। अच्छा, ये जो थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में है ये क्या करता है पता है, ये भी किसी न किसी को एक्टिव करेगा। ये क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में, अब देखिए जो फाइब्रिन है वो एकल होता है, एकल बहुलक होता है, ठीक है, एकल बहुलक होता है, ठीक, इसमें इसको क्या करता है, चेंज कर देता है। किसको चेंज किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज किया, और ये जो फाइब्रिन है ये तंतु जाल का निर्माण करेगा, और तंतु जाल के निर्माण करने के बाद ही वहां पर जाल टाइप का बन जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाएगी। जनरली आपको इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि कौन किसको एक्टिव कर रहा है, कहां पर किसकी भूमिका है, इस चीज को आपको एक्यूरेट तरीके से याद रखना है। समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ फैक्टर की बात की थी, तो जनरली आपको कभी कोई फैक्टर नहीं याद रखने, कभी एग्जाम ने कभी भी फैक्टर के बारे में नहीं पूछा, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसने ये पूछा कि जो थ्रोम्बिनेज है, सॉरी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जब वो चेंज करता है प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज में तब होता क्या है, वहां पर दो फैक्टर काम करते हैं। यहां पर फैक्टर नंबर ये कौन सा भाई, ये फैक्टर नंबर हो जाता है 7, ठीक है, ये फैक्टर नंबर हो जाता है 7 और ये फैक्टर नंबर हो जाता है 10, ठीक है, इसका नाम है प्रोकन्वर्टिन, और फैक्टर नंबर 10 का नाम है स्वार्ट फैक्टर। जनरली आपको फैक्टर नंबर याद रखने हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था और फैक्टर से पूछा गया था, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 10, केवल और केवल इतना ही याद रखना है, बाकी का कुछ नहीं याद रखना, नाम भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनरली यहां से क्वेश्चन आने वाला भी नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, एक बार फिर से मैं पूरे फॉर्म को बताता हूँ, मैकेनिज्म को बताता हूँ। अपने पास डैमेज टिश्यू थे और प्लास्ट और क्या थी, प्लेटलेट्स थी, उसने क्या किया, डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट्स आपस में मिली और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण किया, या कह सकते हैं उसको एक्टिव किया। अब ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन को जो कि प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है, और जो फाइब्रिन है, जो लास्ट का है, जो फाइब्रिन यही जाल का निर्माण करता है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, टर्म है, बैठ जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कई बार रफ कॉपी में लिखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट को देखते हैं। जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट तो ये आता भाई, इस थ्योरी को एंजाइम कैस्केड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, कौन सा, एंजाइम कैस्केड थ्योरी, और ये जो थ्योरी है दी किसने थी, इसको दिया था मैकफरलैंड ने, या इसके साथ को वर्कर्स भी थे जिसने इस थ्योरी को दिया। जनरली ये दोनों क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात थी, यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायग्राम के थ्रू। अब आप देखिए पहले क्या था, पहले टिश्यू जो थी वो डैमेज हुई, ब्लीडिंग होने लगी, अब ब्लड बाहर आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही, तो आप ये देख रहे होंगे यहां पर ये क्या भाई, यहां पर ये है प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स धीरे धीरे ब्लड के साथ बाहर आएंगे, अगर ब्लड आ रहा है तो ब्लीडिंग भी होता है ना, प्लेटलेट्स, ब्लड में मैंने आपको तीन सेल बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये सब बाहर आएंगे। अब ये प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू मिलकर क्या करेंगे, लास्ट में फाइब्रिन का निर्माण करेंगे, और फाइब्रिन क्या करता है, क्लॉटिंग करता है। अब आप देखिए यहां पर ये सारी चीजों को क्या किया, क्लॉट किया, सारी चीजों को जमा दिया, और अब ब्लड बहना बंद हो चुका है। सारी चीजें समझ में आई, मैकेनिज्म समझ में आई, ये समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ पॉइंट को। देखिए कभी कभी होता है ना, अब देखिए जनरली क्या हुआ, अब तक तो आपने कुछ चीजें देखी भाई, ब्लड क्लॉटिंग कैसे हुई, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन दो पॉइंट और जो कि एनसीईआरटी के तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो थक्के हैं, रक्त का थक्का है, ये वाहिनियों के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। अब ये कैसे अंदर देखने के लिए मिलता है, तो जनरली टू टाइप्स के हो सकता है। पहले टाइप्स को हम देखते हैं, पहले टाइप को हम बोलते हैं थ्रोम्बस क्लॉट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस क्लॉट। अब ये जो थ्रोम्बस क्लॉट होता है, इसमें होता क्या है, कुछ थक्के ऐसे होते हैं जो वाहिनियों के अंदर रहते हैं, और धीरे धीरे रहेंगे एक ही जगह में, लेकिन धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता रहता है। और अगर उनका आकार बढ़ता रहेगा, अब देखिए यहां पर मैंने एक
ये बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक वाहिनी बना दी, इसको मैंने क्या बनाया, वाहिनी, वाहिनी, ठीक है, इसको मैंने वाहिनी बना दी। अब देखिए ये यहां पर क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ब्लड बह रहा है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये यहां पर, ये जो मैंने छोटा सा बनाया, ठीक है, छोटा सा बनाता हूं यहां पर मैं, एक ये मैंने बनाया, ठीक, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा थक्का है, मान लीजिए ये एक प्रकार का थक्का है, क्लॉट है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्लॉट है, ये एक प्रकार का क्या है, क्लॉट है। अब ये क्या होगा, रहेगा एक प्लेस में, धीरे धीरे ये क्या करेगा, अपनी साइज को क्या करता रहेगा, बड़ा करता रहेगा। अच्छा, ये अपनी साइज को अगर बड़ा करता रहेगा तो एक समय तो ऐसा आएगा कि वाहिनी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, और अगर वाहिनी को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। अब इसके कुछ पॉइंट को देखते हैं, ये स्थिर थक्के होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया भाई, एक ही जगह पर रहता है और इनका आकार लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है, और लास्ट में ये क्या करता है, रक्त वाहिनियों को ब्लॉक कर देता है। समझ में आया इतना, आगे देखिए, यहां पर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, मतलब अगर मैं बोलूं, इस जो ये थक्का है, जनरली अगर हार्ट की कोरोनरी धमनी में हुआ, ये तो मैं कहूं कोरोनरी वाहिनियों में हुआ, वाहिनियां होती हैं जो कोरोनरी वाहिनियां होती हैं, आप पता है सकरी होती हैं, और ये चीज अगर वहां पर हुई तो कोरोनरी वाहिनियों को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और इसको हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बस, और कोरोनरी थ्रोम्बस के कारण हार्ट अटैक आने की शंकाएं बढ़ जाती हैं, तब ये कहिए हार्ट अटैक आ ही जाता है। समझ में आ गया इतना, आपने कितने पॉइंट इसके देखे, थ्रोम्बस प्लॉट में आपने देखा ये एक ऐसा प्लॉट होता है जो जनरली एक प्लेस पर रहता है, वाहिनियों के एक प्लेस पर रहता है, उसमें आकार इसका बड़ा होता रहता है, वाहिनियों को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर ये हार्ट की कोरोनरी वाहिनियों पर हुआ और तो वहां पर क्या करेगा, वाहिनियों को ब्लॉक करेगा, और इसको हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बस, और हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट को देखते हैं, ये क्या है, ये है एम्बुलस क्लॉट। अब एम्बुलस जो क्लॉट होता है ये क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है। इसमें होता क्या है, जो ये क्लॉट होते हैं ना, ये एक जगह नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं। अब ये घूमते रहेंगे, अब ये घूमते घूमते क्या होगा, किसी न किसी जगह को ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, ये स्थिर नहीं है तो और ज्यादा ये खतरनाक होते हैं, शरीर के कहीं किसी भी पोर्शन पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट की, ये गतिशील थक्के होते हैं जो कि ब्लड के साथ बहते रहते हैं। अच्छा, ये ब्लड के साथ बहते रहते तो हानिकारक भी ज्यादा होते रहते हैं, जो हानिकारक भी ज्यादा होंगे किसकी अपेक्षा, थ्रोम्बस की अपेक्षा, मतलब सेकंड वाला क्लॉट फैक्टर, ये जो सेकंड वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये ज्यादा हानिकारक होता है फर्स्ट वाले की अपेक्षा, थ्रोम्बस की अपेक्षा। समझ में आया, आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, अगर ये ब्लड के मस्तिष्क की वाहिनियों पर पहुंच गया, आपको पता है मस्तिष्क की संरचना जटिल है, उनकी वाहिनियां बहुत ही सक्रिय होती हैं, और अगर ये गलती से वहां पर पहुंच गया तो ये क्या करेगा, वहां की वाहिनियों को ब्लॉक कर देगा, और अगर ये वहां की वाहिनियों को ब्लॉक करता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सेफलिक थ्रोम्बस, इसको क्या बोलते हैं, सेफलिक थ्रोम्बस बोलते हैं, और इसके कारण क्या होता है, लकवा जैसे मारने की शंकाएं होती हैं, लकवा मार जाता है, कहीं कभी लकवा मार सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो फैक्टर होते हैं या क्लॉट होते हैं, क्लॉट कहेंगे, ये जो क्लॉट होते हैं ये स्थिर नहीं होते हैं, गतिशील होते हैं, घूमते रहते हैं, और ये घूमते घूमते मस्तिष्क तक भी पहुंच सकते हैं, और मस्तिष्क की रक्त वाहिनियां बहुत ही पतली होती हैं, वहां पर अगर ये क्लॉटिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेफलिक थ्रोम्बस, और इसके कारण लकवा जैसी बीमारियां होने का शंकाएं रहती हैं, लकवा मार जाता है, पता है लकवा किसी भी अंग पर मार सकता है, सपोज अगर मेरे इस हाथ में, अगर मेरे इस हाथ में लकवा मारता है तो कहने का मतलब है कि मेरे दिमाग से अब इस हाथ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लकवा का सीधा सा सिंपल सा मतलब यह है, दिमाग हमारे सारे पार्ट को कंट्रोल करता है, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं तो दिमाग इनको क्या दे रहा है, एक तरीके का संदेश दे रहा है, लेकिन होगा क्या, लकवा के बाद दिमाग इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। समझ में आ रही सारी चीजें, तो आज हमें इतना ही पॉइंट देखने थे, और अब हम देखने वाले हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं थक्के को घोलने वाला। अच्छा, इतने थक्के होते हैं, इनका कुछ ना कुछ तो उपचार होना चाहिए, जनरली उपचार तो सभी चीज का होता है, ठीक है, तो इनका भी कुछ उपचार होता है, कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। अगर मैं प्राकृतिक प्रति स्कंदक कारक की बात करता हूं, मतलब क्या होता है, इसको घोला कैसे जाए। अब जैसे सपोज दैट आपको पता चल गया कि हार्ट अटैक जो कोरोनरी धमनियों पर क्लॉटिंग होने लगी, धीरे धीरे जमाव होने लगा है, अब आपको पहले ही पता चल गया, तो अगर पहले ही पता चल गया तो आप इसको घोल भी सकते हैं, कैसे कैसे, प्राकृतिक तौर पर भी और कृत्रिम तौर पर भी। प्राकृतिक में क्या होता है, हिपेरिन होता है और हीरोडीन होता है। हीरोडीन क्या होता है, जोंक से प्राप्त होता है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कभी आपने देखा हो या सुना हो, जो टैटू वगैरह होते हैं जब उनको रिमूव किया जाता है तो इसमें भी इसका काम किया जाता है, क्योंकि वहां पर ब्लड क्लॉट, जनरली ब्लड क्लॉटिंग होती है,
टैटू वगैरह में, तो उसको भी रिमूव करने के लिए हमें हीरोडीन का यूज करते हैं जो कि जोंक से प्राप्त होती है। तो हिपेरिन और हीरोडीन ये तो प्राकृतिक हो गए, लेकिन अगर हम कृत्रिम की बात करते हैं तो कृत्रिम में क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन, जो कि किसके लिए दिया जाता है, जब कोरोनरी धमनियां क्या होती हैं, सॉरी जो कोरोनरी वाहिनियां होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, और ये प्राप्त किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। स्ट्रेप्टोकोकस एक प्रकार का जीवाणु है जिससे प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इंजेक्शन बनाया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन जिसको डायरेक्ट दिया जाता है, और यहां पर क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे घुल जाती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, EDTA हो सकता है और वारफेरिन हो सकता है। ये जो डायरेक्ट तीन चार है, ये जो रक्त स्कंदक को बोलते हैं, ठीक है, ये तीन ही चार है, आपको डायरेक्ट याद रखना है सिंपल से, ठीक है। सारी चीज समझ में आ गई, तो ऐसे हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हैं, टॉपिक वाइज NCERT को देखते हैं, कुछ बाहर के भी पॉइंट हमें देखने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी है, क्वेश्चन वहां से आते हैं और अपने को क्वेश्चन सही करना, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर, जल्दी टाटा बाय।